स्वागत है आपका टहलका टुडे में। आइए नजर डालते हैं इस समय के कुछ मुख्य समाचारों पर। त्रिपक्षीय वार्ता में अपने राजदूत के बयान से हटा चीन, देखे रिपोर्ट। भारत में चीन के राजदूत ने हाल ही में पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने और वार्ता करने का विचार सामने रखा था। इस पर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई तो बुधवार को चीन ने अपने राजदूत के बयान से दूरी बना ली। चीन ने सीधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए इतना जरूर कहा कि आपसी विश्वास बढ़ाने और संबंधों को सुधारने के लिए भारत और पाकिस्तान को आपस में संवाद करना चाहिए। हम आपको बता दें कि भारत का इस मामले में रुख साफ है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मसले पर तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार्य नहीं है। हम आपको बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली में भारत चीन के रिश्तों पर आयोजित एक सेमिनार में कहा था कि कुछ भारतीय मित्रों ने सुझाव दिया है कि भारत चीन और पाकिस्तान के बीच SCO से इतर की एक त्रिपक्षीय सम्मेलन करना चाहिए, ये एक सकारात्मक विचार है। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे PM नहीं UP का CM बनना ही पसंद, देखिए रिपोर्ट। महागठबंधन से मिलकर भारतीय जनता पार्टी 2019 में हराने के लिए तैयार में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बड़ी बात कह दी। सूबे की राजधानी में एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुझे देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे तो सिर्फ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। देश तथा प्रदेश में मिशन 2019 को धार देने के लिए विभिन्न पार्टियां लगी हैं। एक और भाजपा की शिकस्त देने के लिए महागठबंधन तैयार हो रहा है तो दूसरा राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से भी भाजपा बाहर करने के लिए तैयारी जोरों से पकड़ चुकी है। भाजपा के खिलाफ गठबंधन में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रहेगी। अलीगढ़ में तमंचा बनाने की फैक्ट्री, 5 गिरफ्तार, देखिए रिपोर्ट। ताला नगरी अलीगढ़ में अब तमंचा भी बनने लगा है और वो भी बड़े पैमाने पर। अलीगढ़ में पुलिस ने तमंचा बनाने की फैक्ट्री खोजने के साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों को गोरखपुर तथा इलाहाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ की कोतवाली पुलिस ने मंगलवार देर रात शहर के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के डोरी नगर में एक मकान के बेसमेंट में चल रही तमंचे की फैक्ट्री पकड़ी है। इसमें बड़ी मात्रा में तैयार अर्धनिर्मित तमंचों को साजो सामान भी बरामद किया गया है। इनको बनाने वाला गिरफ्तार 5 लोगों को गोरखपुर और इलाहाबाद के भी युवक शामिल है। SSP अजय सहानी ने बताया कि सटीक सूचना पर कोतवाली पुलिस ने कल रात हड्डी गोदाम से संजय शर्मा निवासी कबीर नगर इलाहाबाद और शिव चौहान पुत्र गुलाब चौहान और निवासी भगवानपुर थाना PP गंज जिला गोरखपुर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अब तक 80 आरोपी गिरफ्तार, देखिए रिपोर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 के दूसरे दिन मंगलवार को SDF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। SDF ने मेरठ के सालवर गैंग से सरगना सहित 23 आरोपित पकड़े गए हैं, जबकि पुलिस ने विभिन्न जिलों में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रोन्नत एवं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष DG GP शर्मा ने बताया कि मंगलवार को करीब 85% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। दो पालियों में लगभग 9.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 18 व 19 जून को कुल करीब 19 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को SDF व पुलिस ने सालवर गैंग के 33 सदस्यों को पकड़ा है। SDF व पुलिस ने अब तक कुल करीब 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने दिया इस्तीफा, देखिए रिपोर्ट। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफा देने के लिए निजी वजह का हवाला दिया है। इस्तीफे के बाद अमेरिका जाने वाले हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर लिखा, अपने ब्लॉग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरविंद सुब्रमण्यम अमेरिका जा रहे हैं, वह यहां से अक्टूबर में वापस लौटेंगे। जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा, कुछ दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिले। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वापस अमेरिका जाना चाहते हैं। और ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें। मेरे यानी शुभांगी गुप्ता के साथ देखते रहिए तहलका टुडे। धन्यवाद।